तो दोस्तों आज हम आप लोगों को TA-1000 AC कंट्रोलर से GND तार निकालने के लिए बताएंगे कि GND तार निकालिएगा तभी आपका बोर्ड जो है डाटा सप्लाई दे पाएगा, नहीं तो नहीं देगा। GND तार जब तक आप जो है नहीं लगाइएगा तो आपका बोर्ड जो है नहीं चलेगा। अगर आप 10 बोर्ड या 5 बोर्ड भी लगाते हैं तो सभी बोर्ड का माइनस कॉमन करके आपको GND वायर में लगा देना है, तभी आपका बोर्ड जो है सही से डिजाइन दे पाएगा। जो डिजाइन आप मेमोरी कार्ड में डलवाए हैं वही डिजाइन देगा, नहीं तो आपका बोर्ड एक भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों तो चलिए हम आप लोगों को आज GND तार निकालने के लिए बता देते हैं कि GND तार जो है कैसे निकलता है। तो दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आप सब लोगों को पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए आप लोगों को अब हम GND तार निकालने के लिए बताते हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम आप लोगों को बताते हैं कि सिर्फ 5 पोर्ट निकाल देने से मेरा बोर्ड जो है सही से नहीं चलेगा। हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में 5 पोर्ट निकालने के लिए बताए थे। तो देखिए दोस्तों यह जो है इसमें 8 पोर्ट दिया हुआ है, तो हम इससे 5 पोर्ट जो है निकाल चुके थे। आज हम आप लोगों को बता रहे हैं, यहाँ जो आप देख रहे हैं GND जो लिखा हुआ है, हर पोर्ट में GND लिखा हुआ है, तो इसमें एक वायर हम निकाल लिए हैं, ब्लैक वायर है। तो यह वायर निकालना आपको जरूरी है, तभी आपके बोर्ड में जो है बोर्ड हो या पट्टा हो तभी उसी में डिजाइन देगा, नहीं तो नहीं देगा। अगर इसमें आप मेमोरी भी लगा देते हैं, डाटा इसमें दिया हुआ है और यह मेमोरी कार्ड कंट्रोलर में लगा हुआ है, फिर भी जो है अगर आप GND नहीं निकालते हैं तो आपका बोर्ड जो है डिजाइन नहीं देगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो चलिए हम बताते हैं। तो देखिए दोस्तों GND में हम एक ब्लैक तार निकाल लिए हैं। जैसे कि आप 5 बोर्ड लगाते हैं, 5 बोर्ड में एक SMPS दे दीजिए या 2 दीजिए या 3 दीजिए, आप 5 SMPS दे दिए तो पांचों वायर का माइनस जो है, पांचों बोर्ड का माइनस वायर इससे कांटेक्ट करेगा तभी डिजाइन देगा, अन्यथा नहीं देगा। तो पांचों बोर्ड का जो है माइनस वायर कॉमन करके आपको इसमें लगा देना है। GND में वायर निकाल के पांचों बोर्ड या 5 बोर्ड लगाइए, 10 बोर्ड लगाइए, तो उसमें जो है माइनस को कॉमन करके आप इसमें लगा देना है, तभी आप जो मेमोरी कार्ड में कोई भी डिजाइन डलवाए हैं तभी आपका डिजाइन जो है बोर्ड में चल पाएगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो दोस्तों आपको हमने बताए कि किस प्रकार से है जो पोर्ट निकाल के GND भी निकाल लेना है। तो इसी प्रकार अगर GND आप निकाल लेते हैं और अगर आप 4 बोर्ड हो या 1 बोर्ड भी लगाते हैं तो GND का वायर लगेगा तभी आपका जो है डिजाइन देगा। कोई भी डिजाइन अगर आप मेमोरी में डलाए हैं तो मेमोरी का डिजाइन आपको GND जब तक जो है नहीं लगाइएगा बोर्ड में माइनस वाले वायर में, तब तक आपका डिजाइन सही से नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए दोस्तों GND का वायर आपको निकाल ही लेना है, तब आप जो है बोर्ड में सप्लाई दे। तो चलिए दोस्तों इसमें हम आप लोगों को मेमोरी कार्ड भी लगा के दिखाते हैं। तो दोस्तों मेमोरी कार्ड इस तरह से लगाया जाता है। अगर मान लीजिए कि हमारा डिजाइन जो है नहीं दे रहा है, अगर आप 10 बोर्ड लगाए हैं, 10 बोर्ड का एक एक बल्ब सिर्फ जलता है, तो आपको जो है पहले इस स्विच से लाइन काट के मेमोरी कार्ड को निकाल लेना है और फिर इसमें लगा के तब आपको इसमें लाइट देना है। लाइट दिए हुए मेमोरी कार्ड नहीं निकालना है। तो दोस्तों अगर आप यह मेमोरी कार्ड लगा दिए, GND भी लगा दिए, सभी वायर आप डाटा का भी लगा दिए और अगर आपका बोर्ड जो है सही से कनेक्शन नहीं दे रहा है या 5 बोर्ड लगाए हैं
या 10 बोर्ड भी लगाए हैं तो उसका एक दो बल्ब सभी बोर्ड का जल रहा है, तो आप पहले इससे जो है कंट्रोलर से लाइन काट के मेमोरी कार्ड को निकाल लेना है और फिर से इसमें मेमोरी कार्ड डाल के तब लाइट देना है, तो आपका जो है डिजाइन सभी आ जाएगा। अगर स्पीड करना है तो आप देख रहे हैं यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो इससे आप स्पीड कर सकते हैं और इससे घटा भी सकते हैं। तो दोस्तों यह T8000 AC कंट्रोलर है। तो दोस्तों इसी प्रकार से इसका कनेक्शन करके पहले कंट्रोलर से वायर निकाला जाता है। तो दोस्तों फिर हम आपको बता रहे हैं, जब तक आप GND जो है बोर्ड मेजरमेंट नहीं कीजिएगा तो आपका बोर्ड सही से नहीं चलेगा। तो दोस्तों आपको GND लगाना आवश्यक है। अगर आप 10 बोर्ड भी लगाए तो सभी का माइनस कॉमन करके GND में लगा देना है, तो तभी आपका जो है जो आप मेमोरी कार्ड में डाटा डलाए हैं वही डाटा आपका चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो दोस्तों अगर यह मेरा वीडियो आप सब लोगों को पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।